मैं फिल्म के स्टार कास्ट को बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले यजु बेंद्र, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ युनलंग अचुंग, जो पिक्चर एक जिस कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, एक छोटा बच्चा जो बड़ा होकर एक पावरफुल आदमी बनता है, तो यही है वो पावरफुल आदमी। इनकी जो वाइफ का रोल कर रही है, जो मूवी की मेन लीड है, वो है रश्मि मिश्रा, प्लीज कम। और कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, वो एक्चुअल में हुआ नहीं था, पर थोड़ा सिनेमेटिक लिबर्टी लेके इनको हमने एक गर्लफ्रेंड भी दे दी थी पिक्चर में, वो है रोज लॉन्चर, शी इज फ्रॉम नागालैंड, तो शी प्लेज द सेकंड लीड। बट इनके ऊपर भी गाना पिक्चराइज हुआ है, बट वी वर टोल्ड फ्रॉम जी नॉट टू शो द सॉन्ग्स, अदर सॉन्ग्स, थ्री सॉन्ग्स। इसमें तीन सॉन्ग्स और हैं, एक देवनेगी जी ने गाया है और एक MDKT ने गाया है और एक सोनू निगम जी ने गाया है, तो टोटल चार सॉन्ग्स हैं जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं अबूजर जी, प्लीज कम। जो सुंदर गाना आपने देखा, ये इन्होंने कंपोज किया है, और इसको गानों को लिखने वाले जो हैं अराफात महमूद, जिनको आपने हाफ गर्लफ्रेंड में बारिश सॉन्ग प्लेन को लास्ट ईयर अवार्ड भी मिला है। और ये आपको बता दूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो आपने देखा मुरादों से, ऐश किंग ने गाया है और इन्होंने लिखा है, और ये दोनों जन ने उन्हें हाफ गर्लफ्रेंड का बारिश गाना की इन दोनों ने किया था, जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। आई वुड लाइक टू कॉल द प्रोड्यूसर रबेका चंगीजा, प्लीज कम। हमारे कोरियोग्राफर हैं सुरेश सरोज जी फ्रॉम दिल्ली, और जो इसमें काला कपड़ा पहन के गोली चला रहा था वो है मुकेश बरजातिया। हमारे साथ जो एक जो सॉन्ग अभी नहीं दिखा है, उसमें एक सिंगर हैं रोमी मुखर्जी, प्लीज कम। वो डुएट सॉन्ग है देवनेगी जी के साथ, वो उन्होंने गाया। यशु यादव अवर क्रिएटिव डायरेक्टर एंड कास्टिंग डायरेक्टर, एंड करण हेनरी माय सन, जो पोस्टर डिजाइनिंग के स्किल्स वगैरह निकाला है। साथ में हमारे जो इनको खूबसूरत बनाने वाले जो हैं, वो है नजमा शेख जी, जो मेकअप की हैं, और मारिया जी, जिन्होंने इनको जो डिफरेंट गेटअप दिया है, लंबे बाल, छोटे बाल, सब। ये है बेसिकली जो सॉरी निनाद तांबे जी, जो मेन जिन्होंने फोटो खींची है, पिक्चर सिनेमेटोग्राफर। आइए आइए प्लीज सर। और आज जो ये जो हमारे म्यूजिक जी में, जी ने म्यूजिक लॉन्च किया है, एंड हमारे जो ब्राइट आउटडोर मीडिया पार्टनर हैं, वो हैं उनके ओनर हैं योकेश जी, वो हमारे बीच में हैं, प्लीज कम। ओके आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, सोनू निगम जी इज ऑन द वे, क्योंकि वो म्यूजिक का हिस्सा रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। शिराज आपसे जानना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर लग रहा है, और जब हम बोलते हैं अ लिटिल बॉय वो बिकम अ पावरफुल मैन, स्टोरी का जन्म कैसे हुआ, कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई? देखिए हम लोग अरुणाचल गए थे फॉर अ फेस्टिवल, वहाँ पे 27 ट्राइब्स हैं, और एक ट्राइब का फेस्टिवल हुआ था 50th सेलिब्रेशन के लिए हम लोग वहाँ गए थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई युमलंग अचुंग से, जो जिसके ऊपर ये पिक्चर बनी हुई है, और जब हमने उनकी स्टोरी सुनी तो लगा एक छोटा बच्चा जो 7-8 साल का है, उसके फादर की डेथ हो जाती है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, वहाँ से लेके एक पावरफुल आदमी बनना, और वहाँ अभी वो इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं, एंड अभी राइट नाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, जो वहाँ मार्केट एसोसिएशन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कैसे वहाँ के नक्सल लोग से लड़ाई की, कैसे अपना खुद का गैंग बनाया, तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे और बहुत पावरफुल सब्जेक्ट था, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा इसमें बनाई जाए पिक्चर,
ओके शिराज, बायोपिक हो गई किसी जीते जागते इंसान के ऊपर जो अभी भी एग्जिस्ट करता है. कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैं रश्मि की बात करूं या मैं लीड एक्टर की बात करूं, ऑन व्हाट ग्राउंड इज जीरो डाउन द स्टार कास्ट कि यही लोग मुझे चाहिए. इसमें देखिए, हम लोग ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लुक का, क्योंकि वहाँ के नॉर्थ ईस्ट की मूवी है और यहाँ के दो जो मेन कास्ट यहाँ से लेना है, तो सबसे पहला लुक का प्रॉब्लम था. और दूसरा था कि एक्टिंग, तो हमने ऑडिशंस वगैरह लिया, बहुत लोगों को बुलाया, उसमें से फिर दोनों को ये किया, शॉर्टलिस्ट किया. फिर इनको जो लंबे बार का लुक है वो 90s का लुक है, बिकॉज ये पीरियड फिल्म है तो अलग अलग लुक थे हीरो के. तो उस समय 90s में वो बंदा ऐसे लंबे बार रखता था, आई थिंक संजय दत्त को फॉलो करता होगा, जो भी करता हो. तो हमने इनको विग लगा के, मारिया जी हैं हमारी हेयर स्टाइलिस्ट, उन्होंने लंबे बाल देके हमने पूरा लुक टेस्ट किया कि उस बंदा उस कैरेक्टर में जा रहा है कि नहीं. और मैं बोलना चाहूंगा कि हैज डन दैट वर्क वेरी जेन्युइनली. और लुक, दोनों लुक में कई लोग बोलते हैं दो लड़का दूसरा लड़का किधर, हमें यही वो लड़का है, दूसरा भी लड़का यही है करके. एंड जब उनकी वाइफ का आया, तो जब हम जो एक्चुअल कैरेक्टर की जो भाभी जी से हम लोग मिले, हमारी मतलब उनकी वाइफ और हमारी भाभी जी, तो उनसे जब हमने मिला, तो जब ऑडिशन लिए उसमें शॉर्टलिस्ट किए, तो रश्मि का लुक थोड़ा बहुत हम लोग बोले वहाँ मेखला पहना के और वहाँ के ड्रेसिंग दे के थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ का मैच कर पाएंगे नॉर्थ ईस्ट का लुक. तो इस तरीके से हमने कास्टिंग की. इसमें एक बंदा हमारे साथ नहीं है, चूजो जोको है, जो फोर्स टू में विलन था और अभी हैप्पी फिर भाग जाएगी भी थोड़ा सा रोल किया, लेकिन वो एक बहुत बड़ी पिक्चर कर रहा साउथ की, बाहुबली के जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें वो इज द मेन विलन. तो वो उन्होंने राइट हैंड का रोल किया है. युमला मचुंग का जो राइट हैंड का रोल है, वो एक्शन सीन्स वगैरह जो आप देख रहे हैं वो चूजो जोको है. ही इज फ्रॉम नागालैंड एंड रोज शी इज फ्रॉम नागालैंड. तो बाकी कुछ कैरेक्टर हैं, शिशिर शर्मा जी हैं जो कैरेक्टर रोल किए और एहसान खान जी हैं जो एक पॉलिटिशियन का रोल किया. तो कुल मिला के एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है. रेबिका जी, आपसे सवाल है. यू आर प्रोड्यूसिंग द फिल्म, आई मीन आई गेस यू आर द फर्स्ट प्रोड्यूसर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू डू सच अ सिनेमा, एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट और इजी फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म? एक्चुअली आई एम नॉट अ मेन प्रोड्यूसर, आई एम जस्ट अ को प्रोड्यूसर. एंड आई गेस आई विद आवर टीम वी स्टार्टेड टुगेदर. सो व्हेनेवर आई गो, सिंस आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आई टॉक अबाउट माय रीजन. I along with my team, जब हम लोग ईटानगर पे थे, इवेंट के लिए गए हुए थे, ये प्रोजेक्ट आया, स्टोरी लाइन से लेके जब थोड़ा बहुत ये मसाला स्टार्ट हुआ, तो आई रिक्वेस्टेड आवर डायरेक्टर वाई नॉट ईटानगर में ही शूट किया जाए, बिकॉज द कैपिटल इट्सेल्फ इज सो ब्यूटिफुल. नो फॉरगेट अबाउट तवांग, मेचुका, लाइक अभी तो सलमान खान अरुणाचल होके आए हैं. Last year, John Abraham Ji was there. So, though unprofessional look bahut hai wahan pe, kyunki they are nothing to do with the Bollywood thing. But then challenging itna tha ki director sir ko kafi pareshani hui. But then we are very thankful to entire team. Inno ka bina to possible hi nahi tha. Aur I request all of you to come and visit our region. लीड एक्टर है, उनसे सवाल है. बहुत तारीफ हुई आपकी यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने तारीफ की. सो सम गुड थिंग्स अबाउट बोथ ऑल थ्री ऑफ यू. एक्चुअली टेल समथिंग कर दे तो सारा काम वही हो जाता हमारा खत्म. बस उसी की कोशिश रहती कि उसका जो विजन है उस पर खरे उतर सके, तो बस यही किया है. कुछ अपने किरदार के बारे में इन शॉर्ट अगर आप बता दें, शॉर्ट एंड स्वीट. किरदार तो जैसे मतलब एक स्क्रैच टू स्काई वाली बात हो गई कि एक आदमी वहाँ से मतलब इतनी छोटी उम्र से सारी चीज़ों को फेस करते हुए इतना पावरफुल आदमी बनना, वो अपने आप में एक जर्नी है. तो उसी जर्नी को दिखाया गया उस फिल्म में. और मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि बस चूंकि वहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अपने जैसा है ही नहीं, तो वहाँ उसको मतलब उसको पॉपअप करते हुए परफॉर्मेंस करना, ये मेरे लिए था बस. बाकी जो निर्देशक कहते गए वो करते गए, बस वो घोड़ा बांध देता ना, वो सीधे राबे होता, बस वही सब वैसे ही किया हमने. उसको एक्चुअली सर के साथ जब पहली मीटिंग हुई थी मेरी सिलेक्शन के लिए, ऑडिशन के लिए, सो इन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर समझाया था कि एक बहुत स्ट्रांग लेडी का कैरेक्टर है, क्योंकि जिस हिसाब से अचुंग सर का कैरेक्टर इन्होंने निभाया है, सो इनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं. तो एक जो लेडी है, जो एक जिन्हें हम वाइफ कहते हैं, किसी भी हस्बैंड को जिस हिसाब से सपोर्ट करती है उसकी अच्छे टाइम में और खराब टाइम में, सो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. और बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. okay,
about my character, yeah. I think Shiraz sir has explained it. Yes, I romance with my hero of Farsa into some scenes, and it's a twist. It's something you like. It's not shown in the trailer also, and the song is not released. So I'm just looking forward to it. And thoda sa twist hai, thoda sa romance hoga Yaju ke saath, and yeah, yeah, that's it. And I had a great time. Thank you. Shiraz, your song. हमारे बीच योगेश जी हैं और म्यूजिक लॉन्च का मौका है तो हम उन्हीं से चाहेंगे कि वो म्यूजिक को अनवेल करें. थैंक यू योगेश जी फॉर बीइंग हियर. आई रियली नीड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योगेश जी.